सभी साथियों को सबसे पहले हरा छिकारा की तरफ से, हमारे भाईचारे की तरफ से राम राम। हाल फिलहाल हम पहुंचे हैं रोहतक में। आप सभी साथियों को बताया भी था, हमारे साथ में बहन जी है जो विकलांग है, और यह हमारी बहन जी है, शायद आपके पति नहीं है ना? नहीं। इनका बच्चा भी काफी छोटा है, इनकी गुड़िया की शादी थी, हालांकि हमने आज की मदद ऑर्डर की थी। उसके बाद ये बहन जी घर पे पहुंची, इसकी जो एक छोटी सी डिमांड थी कि मेरे घर पर 10 से 12 बाराती आऊंगे, उनका सिर्फ खाना बन जाए, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहता। हमने कई बार देखा, कई आदमी ऐसे होते हैं जो मदद के नाम पे हमारे घर तक तो आ जाते हैं, लेकिन जब हम उनका बायोडाटा या उनके बारे में डिटेल निकालते हैं तो वे झूठे या फेक मिलते हैं। हमें भी बड़ा दुख होता है कि हमारे सामने आके आप लोग झूठ बोलते हो। हरियाणा और राजस्थान के अंदर तो ऐसा कोई गांव, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से हमारे साथ भाईचारा नहीं जुड़ा हुआ। मेरी बहन जी जब हमारे पास आई, इसकी आंखें खुद ये बता रही थी कि इसको मदद की कितनी ज्यादा जरूरत है। इसने बोला था, भाई मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं, सिर्फ 15 या 20 हजार रुपये हो जाए, जिसके कारण आज जो बारात आओगी उसका खाना हो जाए। लेकिन मेरी बहन की बातों में सच्चाई थी, हमने सोचा थोड़ा अच्छा ही हो जाए तो ठीक है, ताकि गुड़िया को थोड़ा बहुत कुछ जरूरत का सामान दिया जाए। तो यहाँ पे आज साथ में आई है पवार फैमिली, हमारे बड़े भाई साहब है जो हरियाणा पुलिस के जवान है। बड़ा प्राउड फील होता है जो देश सेवा करने के साथ साथ समाज सेवा करते हैं। दूसरी बात, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गंद मचा हुआ है। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल कुछ भी खोलोगे, एक व्यू के चक्कर में 80% आदमी गलत दिशा में जा रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी होती है। हम खुद भाई साहब कोई वीडियो देखते थे, भाभी जी की वीडियो देखते थे, आज हमारे साथ खड़े हैं, साथ नहीं हमारे से आगे आगे भाई साहब ने, आज जो रीति रिवाज जो रस्म है वो हमारे भाई साहब ने निभाई। हम मिले आज पहली बार, उससे पहले भी भाई साहब से अक्सर बातें होती रहती थी, और पहले भी मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, हरियाणा पुलिस के जो जवान होते हैं उनकी ज्यादा तनख्वाह नहीं होती, ज्यादा सैलरी नहीं होती। कई आदमी बोल देते हैं इनको कि ये खाते हैं, यानी कि 5% आदमी खराब होने के कारण 95% आदमियों को टारगेट किया जाता है। मेरे हिसाब से भाई साहब 30-35 हजार रुपए तनख्वाह होती होगी, स्टार्टिंग में जब लगे हैं आदमी तो 24-25 हजार रुपए, 24-25 हजार रुपए तनख्वाह होती है, और उसमें से जब कोई आदमी दान करता है तो उसका दिल बड़ा बड़ा होता है। मेरे साथ, मैं भाग्यशाली हूँ, ज्यादातर फौजी और हरियाणा पुलिस के जवान जुड़े हुए हैं। भाई साहब ने पहले भी एक बार एक मदद में 11 हजार रुपए दान दिया था, उससे अलग भी भाई साहब दान करते रहते हैं। आज ये जो जिम्मेदारी है ये सभी भाई साहब ने ली, भाई साहब के दिशा निर्देश में, और हमारी बहन जी गीता अलावत जो हर जगह हमारे से आगे जिम्मेदारी निभाती है, और ये जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ हमारी बहन हर जो भी काम होता है उसको खुद पूरा करती है। क्योंकि हमारा ये मानना है जब हम किसी औरत की मदद करने के लिए जाते हैं, एक औरत का साथ होना बहुत जरूरी है, और आप समाज को अपना समय दे रहे हो ना, इससे बड़ा कोई दान नहीं। ये पीछे जितने भी नौजवान साथी खड़े हैं, ये जो अपना कीमती समय देते हैं, समय देना सबसे बड़ी चीज, आज के वक्त में किसी के पास कोई समय नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि हमने फेसबुक, यूट्यूब, गूगल पे वे आदमी ढूंढे हैं जो एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, जिनसे हमने खुद सीखा है। आप सभी का ये जो प्यार प्रेम है, इससे आज इस घर के अंदर 31 हजार रुपए का नगद सहयोग, साथ में डबल बेड, संदूक, अलमारी, सिलाई मशीन, 51 बर्तन, ये सामान यहाँ पे पहुंचा दिया गया है इस बेटी के लिए। और जितने जो भी दानवीर साथी हैं, पिछले 3-4-5 दिन में 5वीं लड़की की शादी में आज सहयोग कर रहे हैं। आज शाम को आप सबकी लिस्ट डालेंगे, एक एक दिन में 4-4-5-5 प्रोग्राम हो जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती, लिस्ट बनाने में टाइम लगता है। आप सभी के जो नाम है वो इस डायरी के अंदर है, और एक एक नाम ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ा। दूसरी बात, कई भाई लाना देते हैं कि भाई आपने मेरा नाम नहीं डाला, आप खाली स्क्रीन शॉट भेज देते हो व्हाट्सएप पे, ना अपना नाम लिखते हो ना अपनी डिटेल लिखते हो, फिर हमें दिक्कत होती है, हम नाम किसका डाले। जब आप हमारे पास अपना नाम ही नहीं भेजोगे तो वो नाम डालने में बड़ी दिक्कत होती है हमें। भाई साहब आप कुछ कहना चाहोगे? भाई मैं कहना तो बहुत कुछ चाहूंगा, लेकिन आपने सारा तो कह दिया, जैसे आपने भाई हमारे बता दिए पवार फैमिली कैसे कर रही है। और मैं भाई के बारे में नीति से भी बुलवाना चाहूंगा, पहले तो 2 लाइन में बोल दूँ आपके बारे में। जब भाई छकारा भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और करीबन 2 साल से मैं भाई ने देख रहा हूँ, उससे पहले काफी कई साल से लग रहे होगा आप इस लाइन में, 11 साल तो मैं 2 साल से भाई ने जानूँ, बिल्कुल सोशल मीडिया पर जैसे भी हमारे हैं उस टाइम से जान लग गया हूँ। तो भाई इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, और भाई इतने लोग कमेंट करें ना भैया ये है वो है, तो भाई भाई के गेले आ जाओ, कुछ थोड़ी हेल्प करो, और हमने प्राउड फील है। जैसे भी कलान है उनके घर में, भाई जैसे भाई ने पोजीशन बताई है,
दिया। और किराए का मकान में रह रही है, और तीन गुड़िया है, दो पहले और एक आज शादी है जो हम प्रेजेंट करी है, बाकी मैं निधि ने कहूंगा, दो लाइन भाई के बारे में भी बोला है और आज सब ने मैसेज भी देवा निधि। आप मेरे बारे में नहीं, समाज के बारे में बोलो, समाज को क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं भाई आपने कहूंगी, इतना अच्छा काम कर रहे हो आप, चलने तो अकेले थे और आज पूरी टीम बना ली, इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो बस हमने भी आपका प्रेरणा मिला है, शिक्षा मिला है कि दानवीर आपकी तरह हम भी बना, हम भी जितना मार तो हो सके उतना सहयोग कर, आप तो बहुत प्रेरणा मिले भाई। ये हमारा यूथ, हमारी बच्चियां हैं, आपने देखा होगा बच्चियां बहुत ज्यादा गलत रास्ते पे भटक जाती हैं, इनसे कुछ सीखो, सीखना सिखाना एक जीवन है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आपको छोटा बच्चा भी संदेश दे देता है। ये हमारी गुड़िया है, ये आजकल के नॉलेज वाले बंदे, हम तो चलो अनपढ़ इतने पढ़े लिखे नहीं है, इनसे हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी कि मैं तो कुल मिला के कहूंगा, जो पवार फैमिली है, अगर हम फैमिली की वीडियो देखते हैं, उनसे सबसे बड़ी चीज एक सीख मिलती है, आज के समय में किसी परिवार के अंदर एकता नहीं मिलती, आज के समय में किसी परिवार के अंदर इतना समय नहीं होता कि एक दूसरे को समय दे पाए। हम भी प्राउड फील करते हैं, हमारा भी मन करता अपनी फैमिली के साथ ऐसी वीडियो बनाए, पर वही बात होती है, हमारा दुर्भाग्य, हमारे पास इतना समय नहीं होता। मैं पवार फैमिली का एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा। भाई साहब आप एक बार यहाँ पाओ, शुभ नाम बताओ पहले अपना। अजय उड्डा, भाई का नाम है अजय उड्डा, काम है घुसकानी, हर मदद में मेरा भाई मदद कर आ रहा, कैमरे के शाम ही मेरे साथ पहली बार आया होगा आज। ये वो भाई है, हमने लगभग जितनी भी आज तक मदद करी ऐसी कोई भी मदद नहीं, हम महीने में अगर 25 मदद करते तो उस 25 की 25 मदद हम इस भाई का सहयोग पाऊंगा, और सहयोग होता है कम से कम 1100 रुपये। ये 25 मदद कर दी, आप लोगों को लगता है 1100, लेकिन 1100 ना 25 बार जोड़ोगे तो 25,000 रुपये तो सीधे हो गए, 2500 अलग तो हो गए, 27,500 रुपये की महीने की मदद होगी। ये कार्य करने के लिए बड़ा दिल चाहिए मेरे भाई का, अपना फाइनेंस का काम है, परमात्मा से यही दुआ करते हैं, जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे का सहयोग करते हुए थोड़े कैमरे के सामने भी आया करो, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और जो देखने वाले हैं वो भी आप लोगों से सीखे। एक बार फिर से आप सभी साथियों का, सभी दानवीर साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग अपने घरों में बैठ के हमारे पे विश्वास करके जो हमारे तक पैसा देते हो, उस पैसे को हम कहां पहुंचा रहे हैं वो कमेंट करके बताया भी करो, सही जगह पहुंचा रहे हैं या गलत जगह पहुंचा रहे हैं। सभी साथियों का धन्यवाद, कल या परसों फिर मिलते हैं नई मदद के साथ, तब तक राम राम, जय हिंद।